मित्रों, आज कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन प्रारंभ हुआ है। ट्रायल रन का मतलब अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर जैसे ही मेट्रो रेल को कानपुर के अंदर भारत सरकार से एक क्लीयरेंस प्राप्त होगा, यह जनता के आवागमन के लिए मेट्रो की सुविधा कानपुर वासियों को उपलब्ध हो जाएगी। एक समय सीमा से कम समय में, यानी हम लोगों ने 2 वर्ष का एक समय सीमा तय की थी, जब 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के शिलान्यास की कार्रवाई यहीं पर संपन्न हुई थी। लेकिन इसी दौरान मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हुई। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। इस सब के बावजूद तय समय सीमा से पहले IIT कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को पूरा करने और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। कानपुर वासियों को मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कानपुर वासियों को मेट्रो की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। ये लगभग 9 किलोमीटर का जो फर्स्ट फेज का कार्य संपन्न हो चुका है, इसमें 9 स्टेशन होंगे और इन 9 स्टेशनों के माध्यम से एक बड़ी आबादी इस सुविधा का लाभ ले पाएगी। कानपुर मेट्रो के साथ ही उत्तर प्रदेश अपने 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा प्रदान कर राज्य होगा। अब तक हमारे पास 2017 के पहले सुविधा उत्तर प्रदेश में एक भी सिटी में नहीं थी। 2017 के बाद कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सभी 4 शहरों में पहले से मेट्रो की सुविधा के साथ ही कानपुर भी अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर इस मेट्रो की सुविधा से जुड़ जाएगा। यह अपने आप में एक उपलब्धि है। कानपुर को यह सौगात बहुत पहले मिल जा चुकी थी, क्योंकि कानपुर देश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर रहा है, प्रदेश का सबसे बड़ा आबादी का शहर है, घनी आबादी है। स्वाभाविक रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा के लिए वे एक सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया भारत सरकार का है। इसलिए सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। 2017 में सरकार आने के बाद तेजी के साथ जब इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, आज 4 शहरों में सफलतापूर्वक मेट्रो की सुविधा वहां के वासियों को तो प्राप्त हो ही रही है, साथ साथ 5वें शहर में मेट्रो ट्रायल का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। मैं कानपुर वासियों को इसके लिए हृदय से
अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले एक से डेढ़ महीने के अंदर उन्हें बेहतरीन और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मेट्रो की सुविधा प्राप्त होगी। साथ साथ कानपुर अब केवल आबादी की दृष्टि से नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से भी मेट्रो सिटी के रूप में देश और दुनिया के अंदर जाना जाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल करने में और सचमुच एक नई पहचान के साथ कानपुर औद्योगिक विकास की अपनी पुरानी राह को उसी